दिल्ली रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में धमाके की आवाज सुनाई दी है। यह स्कूल सीआरपीएफ का बताया जा रहा है। धमाके की आवाज के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह धमाका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्कूल की दीवार के पास हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार धमाके की आवाज से आसपास के गाड़ियों के शीशे टूट गए। धमाके के तुरंत बाद धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठता देखा गया। इससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और जांच के बाद क्लियर करेंगे कि पूरा मामला क्या है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धमाके में लो इंटेंसिव एक्सप्लोसिव के होने की संभावना है। छोटा क्रूड बम भी हो सकता है। स्पेशल सेल की वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जरूरत पड़ने पर एनएसजी की टीम को भी बुलाया जा सकता है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी ली जा रही है।